हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय संदीप सर पे। और आज के इस वीडियो का जो टॉपिक होगा, 10th+3 ईयर डिप्लोमा और 12th+2 ईयर डिप्लोमा यानी कि लेटरल एंट्री डिप्लोमा, इस दोनों में क्या डिफरेंस है। और अगर आप 10th+3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा किए हैं कौन कौन से फर्म के लिए आप एलिजिबल हैं, और अगर आप 12th के बाद 2 साल का डिप्लोमा किए तो कौन कौन से फर्म के लिए आप एलिजिबल हैं, इसी बात को आज के इस वीडियो में हम लोग विस्तार से समझेंगे। देखिए, 10th+3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा अगर करते हैं या 12th के बाद अगर 2 ईयर डिप्लोमा करते हैं तो दोनों को इक्विवेलेंट माना गया है। जैसे आमतौर पर डिप्लोमा 10th के बाद ही किया जाता है, लेकिन अगर आप 12th कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि डिप्लोमा करें तो आपके लिए 1 साल का, चूंकि 12th जब करते हैं 11th 12th, तो उसमें आप फिजिक्स से ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, और जो डिप्लोमा का फर्स्ट ईयर होता है उसमें बेसिक के साइंस के बारे में ही जानकारी दिया जाता है, मैथ के बारे में। इसलिए अगर 12th के बाद आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 2 साल में डिप्लोमा कंप्लीट करा दिया जाता है, और इसको लेटरल एंट्री डिप्लोमा के नाम से हम लोग जानते हैं। दोनों को इक्विवेलेंट माना गया है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एग्जाम में 10th+3 ईयर डिप्लोमा वाले ही सिर्फ एलिजिबल होते हैं, और कुछ स्पेसिफिक एग्जाम में 12th+2 ईयर डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल होते हैं। हालांकि आमतौर पर अधिकांश जो एग्जाम होते हैं उसमें दोनों में से किसी एक से भी आप डिप्लोमा किए हैं तो उसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो कौन कौन से एग्जाम है जिसमें 10th+3 ईयर डिप्लोमा ही एलिजिबल होंगे, और कौन कौन से एग्जाम है जिसमें 10th+3 ईयर डिप्लोमा या 12th+2 ईयर डिप्लोमा किए हैं तो आप एलिजिबल हैं, तो मैं पहले बता दूं, जैसे कि कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन में बात क्लियरली मेंशन रहता है कि वो 10th+3 ईयर डिप्लोमा चाहिए या और इक्विवेलेंट लिखा रहेगा। इसका मतलब 12th किए हैं, 2 ईयर डिप्लोमा किए, लेटरल एंट्री से मतलब, तब भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन किसी नोटिफिकेशन में स्पेसिफिक सिर्फ इतना बात ही लिखा है कि 10th+3 ईयर डिप्लोमा, तो फिर आप 2 ईयर डिप्लोमा किए हैं तो उसके लिए एलिजिबल नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो सेल में जो डिप्लोमा लेवल वैकेंसी आती है वो 10th+3 ईयर डिप्लोमा वाले ही सिर्फ एलिजिबल होते हैं, वहाँ पर अगर लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किया है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं। लेकिन वहीं अगर बात करें अदर एग्जाम, SSCJEE, रेलवे RRBJEE की बात करें, SSCJEE की बात करें, और मैं बात करूँ इसरो, DRDO या NHPC, इन सभी एग्जामों में 10th+3 ईयर डिप्लोमा की है या लेटरल एंट्री से डिप्लोमा की है, इसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। अगर NHPC की नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा रहता है 10th+3 ईयर डिप्लोमा, इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। वहाँ नोटिफिकेशन में नीचे जाएंगे तो नोट में आपको मिलेगा कि 12th+2 ईयर डिप्लोमा की अगर किए हैं तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलेगा। बाकी वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू।